हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले ये बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कांवड़ियों के ऊपर। जी हाँ, अगर आप कांवड़िया हैं, अगर आप सावन में कांवड़ लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, चाहे किसी भी मंदिर में कांवड़ लेकर जाते हो, तो आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय करने होते हैं, कुछ छोटे से नियम को फॉलो करना होता है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि संपदा बनी रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं वीडियो पे चर्चा आगे करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या आपको करना है, छोटे से नियम। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो इस उपाय को जानते हैं और कई लोग होते हैं जो इस उपाय को नहीं जानते हैं, बस वो जल उठाएं, कांवड़ उठाएं और चल दिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए, जैसे आपने कांवड़ ले गए, जैसे कांवड़ आप ले जाने के लिए आप अपना जल उठाया, तो आपको हमेशा याद रहे कि आप हमेशा ऑरेंज कलर का कपड़ा ही पहने, साथ ही किसी भी कीमत पर आपके पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मजबूरी है तो आप लकड़ी का कोई आता है, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक से रिलेटेड आप स्लीपर टाइप का कुछ पहन सकते हैं आरामदेह, लेकिन चप्पल नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कांवड़ ले जाते हैं तो मैं आपको वास्तु और ज्योतिष रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही लाभ करेगा। अगर एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष और वास्तु की बात करें तो आपको अगर कांवड़ ले जा रहे हैं तो एक उपाय आपको मन ही मन करना होगा, यानी इस ये उपाय के लिए कुछ करना नहीं है, बस आपको सोचना है। क्या सोचना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कांवड़ उठाया, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने जैसे कांवड़ उठाया, कांवड़ उठाने के साथ भगवान शिव को तो आप नमन करते ही हैं, उनका मन में प्रार्थना करते ही हैं, साथ ही साथ आपको अपनी सुविधा अनुसार भगवान शिव के किसी भी मंत्र, जैसे कि ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इन सभी में से कोई भी मंत्र अपनी सुविधा अनुसार आपको लगातार जपते रहना चाहिए, तब तक जब तक कि आप कांवर का जल जो है भगवान शिव के पे, भगवान शिव के शिवलिंग पे ना चढ़ा दें। याद रखिएगा, बीच में गैप भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बिना किसी से बात किए आपको मंत्र जाप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चुपचाप रहें, जब आपको किसी से बात नहीं करना है, तब आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप बहुत बहुत ज़रूरी से करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप लगातार सावन में या फिर किसी भी दिन आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो आपको ये उपाय कर लेनी चाहिए। आपको याद रहे कि आपका जब भी मंत्र का जाप करें आप कुछ खाते पीते ना हो, यानी कि अगर आप कांवड़ लेकर चल रहे हैं तभी इस मंत्र का जाप करें, अगर बीच में खाना पीना हो तो मंत्र का जाप नहीं करें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, किसी भी हाल में आपको चावल नहीं खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं, चावल भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ लेकर अगर आप जा रहे हैं तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए, इसके बहुत ही दोष लगते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको वास्तु के अनुसार अगर बताऊँ और ज्योतिष के अनुसार, तो अगर आप जल लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में घूमते हुए कोई भी आवारा कुत्ता या फिर कोई भी पालतू कुत्ता जो होता है, जिसको डॉग्स भी बोला जाता है, उनमें याद रहे उनके मतलब बॉडी से, डॉग के बॉडी से यानी कुत्ते के शरीर से आपका शरीर या फिर कांवड़ टच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कई लोग कमेंट कर सकते हैं कि कुत्ता है तो भगवान शिव के सवारी या फिर जो भी मान्यता हो उस अनुसार माना जाता है, भैरव बाबा का रूप माना जाता है, ऐसा दोस्तों सही बात है, ये ऐसा किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा भी मान्यता है ज्योतिष के अनुसार कि अगर आप चल लेते वक्त आपका स्पर्श कुत्ते से हो जाता है यानी डॉग से हो जाता है, तो आपका जो कांवड़ होता है, जल होता है, वो अपवित्र माना जाता है। जब पूजा कर लीजिए तब ऐसा हो, टच हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले किसी भी हाल में कुत्ते से टच नहीं होना चाहिए, यानी डॉग से आपका कांवड़ या आपका शरीर टच नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत भारी गलती है जो अक्सर रास्ते में हो जाया करती है, इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बातों का।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।